स्वागत है आपका YouTube चैनल SMK में। रिलायंस पावर का शेयर एक जबरदस्त तेजी फिलहाल बना रहा है। रिलायंस पावर के शेयर में एक दिन में देखेंगे तो 0.29% का रिटर्न दिया है और शेयर का प्राइस जो अभी लगभग 27.65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल में रिलायंस पावर के शेयर ने 18.24% का रिटर्न दिया है और एक हफ्ते में देखते तो 2.92% रिलायंस पावर के शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा जो की अनिल अंबानी की कंपनी से, तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। रिलायंस कम्युनिकेशन फिलहाल कुछ खास नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन का ट्रेडिंग बंद है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेगा जिन लोगों ने रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में थोड़ा ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है दोस्तों। तो रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे शेयर में हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे टारगेट प्राइस पर रखना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में। अभी आप देखिए रिलायंस पावर का जो नेट प्रॉफिट है Q4 24 में कंपनी ने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है जहाँ पे रिलायंस पावर का जो प्रॉफिट है लगभग 840.45 करोड़ का हुआ है। तो अभी क्या करना चाहिए रिलायंस पावर के शेयर में, टेक्निकली रिलायंस पावर का शेयर कैसा है, क्या ये शेयर यहाँ से तेजी बना सकता है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि स्किप मत कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल SMKG को सब्सक्राइब नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। देखिए रिलायंस पावर का जो शेयर है यहाँ पे वन मंथ में शेयर का प्राइस लगभग 28 रुपीज के आसपास पहुंच गया दोस्तों, 28 रुपीज के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर शेयर में जो जबरदस्त तेजी बना, जबरदस्त रिटर्न दिया, 31.54 पैसे के आसपास शेयर पहुंचा। उसके बाद आप देखते तो शेयर का प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ है दोस्तों। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में जो रिलायंस पावर का शेयर जो है लगभग 28 रुपीज, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 29 रुपीज के आसपास शेयर पहुंचा, 29.05 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड किया। उसके बाद थोड़ा सा तेजी बना, शेयर का प्राइस जो है फिर डाउन हुआ यहाँ पे लगभग 27.20 पैसे के आसपास पहुंचा। और एक दिन में बात करते हैं रिलायंस पावर के शेयर को लेके दोस्तों, एक दिन में जो शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं जो कि 27.65 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं और एक दिन में जो शेयर जो है 0.29% जो है रिटर्न दिया है और फिलहाल शेयर का प्राइस जो है 27.65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिलायंस पावर का शेयर जो है यहाँ पे मतलब देखते हैं तो जो बोल सकते कि एक दिन का जो लो प्राइस बना है रिलायंस पावर के शेयर में जो कि 27.60 पैसे का और एक दिन का जो हाई प्राइस बना है 28.303 पैसे का। 52 की लो प्राइस की बात करते हैं रिलायंस पावर का 14.88 पैसा है और जो 52 का हाई प्राइस है 34.35 पैसे के आसपास है। तो देखिए रिलायंस पावर का जो शेयर है जो इसका 52 का हाई प्राइस है उससे बहुत ज्यादा नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रिलायंस पावर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों जो कि देख सकते हैं 11,106.92 करोड़ का है रिलायंस पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। टेक्निकली बात करते पहले रिलायंस पावर ने शेयर किया है जहां पे कंसोलिडेटेड जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो हम लोग यहां पे देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो यहां पे देख रहे हैं जहां पे क्वार्टरली जो रेवेन्यू है रिलायंस पावर का, जो क्वार्टरली रेवेन्यू है कि 24 में जो कि देख सकते हैं 2,194 करोड़ हुआ है जो कि ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो 18.2% इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करते डाउन हुआ है 398 करोड़, ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो 223.5% डाउन हुआ है। तो कंपनी का क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कंपनी का मतलब रिलायंस पावर का, और जो क्वार्टर नेट प्रॉफिट है डाउन हुआ है, रिड्यूस हुआ है दोस्तों। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है रिलायंस पावर का वो 24 में जहाँ पे देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू जो है 2,001.5 करोड़ से इंक्रीज होकर 2,193.9 करोड़ हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि 363.3 करोड़ जो है डाउन था वो जो है 185.8 करोड़ हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी का जो है Q4 24 में इंक्रीज हुआ है रिलायंस पावर का। अभी देखिए कंपनी का यहाँ पे देखते हैं रिलायंस पावर का जो एनुअल रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू जो है रिलायंस पावर का जो की 4.79% है एंड जहां पे 8,260.23 करोड़ हुआ है। सेक्टर की रेवेन्यू की बात करते हैं 5.8% है। तो कंपनी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त इसका एनुअल रेवेन्यू है रिलायंस पावर का। क्वार्टरली जो इसका रेवेन्यू है रिलायंस पावर का बात करते हैं दोस्तों, क्वार्टरली रेवेन्यू जो है 15.42% है, ईयर ऑन ईयर अगर देखते तो 2,193.85 करोड़ है। तो सेक्टर का जो बोल सकते हैं क्वार्टरली रेवेन्यू है 8.94% है। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, एनुअल नेट प्रॉफिट जो है 339.36% है जो कि अगर देखते हैं तो 2,168.38 करोड़ है। तो बोलते कि जो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उतना कुछ खास नहीं है, एनुअल जो नेट प्रॉफिट है उतना कुछ खास नहीं है, जो कि 339.36% जो है यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन
डाउन हुआ है दोस्तों। कंपनी का जो मतलब क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है जो कि 223.55% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है, तो जो कि 397.56 करोड़ है। देखिए कंपनी का रिलायंस पावर का जो एनुअल नेट प्रॉफिट है डाउन हुआ है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है डाउन हुआ है, कुछ खास नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है एनुअल नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है रिड्यूस हुआ है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं 84.32% जो है शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ है, अंडर परफॉर्म्ड है सेक्टर का जो कि 37.29% के आसपास है। अभी यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं रिलायंस पावर का, जो कि माइनस में देखने को मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो माइनस में देखने को मिल रहा है 5.39 है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं जिसके रिलायंस का देख सकते हैं, रिलायंस पावर का जो कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है जो कि 1.62 है, जो कि बोल सकते हैं कि हो सकता है कि कंपनी के ऐसे बहुत सारे एसेट्स है क्योंकि फिलहाल अभी मतलब डेप्ट वगैरह में देखिए रिलायंस पावर जो डेप्ट है डेप्ट कम करने के लिए काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे जो है अपडेट देखने को मिला है जहां पर रिलायंस पावर डेप्ट कम करने के लिए काम कर रहा है, तो हो सकता है कि आगे चलकर रिलायंस पावर डेप्ट वगैरह रिड्यूस करे। अभी यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं जो आरओई है, आरओई यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है जो कि 17.8% है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं दोस्तों रिलायंस पावर का शेयर जो है, हमें ये लगता है कि बहुत ज्यादा जो है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बोलते हैं फंडामेंटली जो इतना ज्यादा फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस पावर का जो शेयर है, मतलब एक हफ्ते में देखते हैं, एक हफ्ते में रिलायंस पावर का शेयर लगभग 2.92% डाउन हुआ है, वन मंथ में 2.82% डाउन हुआ है, थ्री मंथ में 10.55% डाउन हुआ है, और यहाँ पे जो है एक साल में 79.48% रिटर्न दिया है रिलायंस पावर के शेयर में। दोस्तों टेक्निकली रिलायंस पावर के शेयर बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फिलहाल, टेक्निकली जो रिलायंस पावर का शेयर एक बेयरिश पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर देखते हैं मतलब टेक्निकली जैसे कि शेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखिए शेयर होल्डिंग को लेकर बात करते हैं रिलायंस पावर का जो शेयर होल्डिंग है, जहां पे शेयर होल्डिंग को लेकर बात करते हैं तो पब्लिक जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 76.76% है, प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग 23.24% है। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल अगर देखते हैं जैसे कि पावर सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे शेयर है जहां पे थोड़ा बहुत हम लोगों को तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। रिलायंस पावर का डेप्ट बहुत सारा कंपनी रिड्यूस किया है, तो उसके चलते शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत हम लोगों को तेजी बनता हुआ देखने को मिला है, या फिर बोल सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है थोड़ा बहुत यहाँ पे आगे चल के जंप कर सकता है। तो रिलायंस पावर का अभी जो ओवरऑल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पे 52 का जो हाई प्राइस है रिलायंस पावर का, 52 का जो हाई प्राइस है उससे रिलायंस पावर का शेयर जो है बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे रिलायंस पावर का बोल सकते टेक्निकली जो है शेयर एक बोल सकते कि जो है बेयरिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कंपनी हो सकता है कि रिलायंस पावर आगे चल के कंपनी को अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो और शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत तेजी बनाया। देखिए इसका 52 का हाई प्राइस है 34.35 के आसपास, और इसका जो शेयर का प्राइस है रिलायंस पावर का ट्रेड कर रहा है 27.65 पैसे में, तो एक दिन का जो मतलब हाई प्राइस है 28.03 पैसा, तो एक दिन का हाई प्राइस है शेयर का प्राइस फिलहाल अभी थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि शेयर ऐसे थोड़ा तेजी बनाए, बट फिलहाल यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल रिलायंस पावर के शेयर में रखना चाहिए। आपको कैसा लगता है दोस्तों रिलायंस पावर के शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SMKG को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।